awesome blossoming people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, again, I'm going to talk about STA, staff travel. So I've already made a detailed video about it in which I've explained like how does it work and who all can avail this facility, who all are eligible for it. And I've explained everything in that video. So I will link it over here. You can click and you can watch it. So kuch points the jo reh gaye the, which I wanted to cover. So isliye main dusri video bana rahi hu. And yeah, without further ado, let's just get started. So now, जैसे कि आपको बताया कि जो discounted ticket होती है, ये एक employee को मिलती है. So of course, आपकी airline के लिए मिलेगा, so that you can fly. Like this discount you won't get if you fly. Let's talk about Indian carriers, Indian airlines. Okay. So let's say अगर मैं SpiceJet के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे Indigo में मुझे discounted ticket नहीं मिलेगा. या मैं Indigo में काम कर रही हूँ, तो मुझे Go Air में discounted ticket नहीं मिलेगा. So it doesn't work that way. Okay. मैं जिस airline के लिए काम कर रही हूँ, मुझे सिर्फ उसी का डिस्काउंटेड टिकट मिलता है. नाउ बट लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रैवल समवेयर, लाइक इफ आई वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली, मुझे कहीं बाहर ट्रैवल करना है, सो उस केस में मैं क्या करूंगी. लाइक लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट जेट एयरवेज, बिकॉज आई वाज विद जेट एयरवेज, लेट्स से आई वांट टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया. बट ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट. सो नाउ अब मैं इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकती. So now there is a portal, there is a thing called Interlink. So basically, उसमें क्या होता है, you have to make your own account in that portal. And वहाँ पे दुनिया के सारे airlines के crew बना सकते हैं, ठीक है, और वो किसी भी airline का ticket ले सकते हैं. So not necessary, let's say अगर मुझे travel करना है और मेरी जो airline है उस जगह तक fly नहीं करती है, तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं travel नहीं करूँगी, क्या मुझे discounted ticket नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है. उस इंटरलिंक में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे आप यू नो सेम यू हैव टू बुक योर टिकट एंड यू नो यू हैव टू मेंशन जो भी लोग हैं जिनके साथ आप ट्रैवल करो, पूरी डिटेल्स डाल के, एंड देन यू कैन बुक अ टिकट. सो नाउ लेट्स सी इट्स टू हैपन विद अस आल्सो, लाइक अ लॉट ऑफ आवर कलीग्स, अ लॉट ऑफ माय कलीग्स यूज्ड टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया या US, यू नो, क्योंकि उनके रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे. सो हमारी डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ के लिए नहीं थी. सो एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया की फ्लाइट में भी दे यूज टू ट्रैवल. सो उससे भी आप इंटरलिंक के थ्रू यू कैन बुक अ टिकट फॉर दैट एयरलाइन. बट अगेन सेम चीज़ आ जाती है कि अगर लोड कम होगा, अगर जगह होगी फ्लाइट में, तो आपको सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. बट एक चीज है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आप सिर्फ इतनी डेस्टिनेशन पर फ्लाई कर सकते हो डिस्काउंटेड टिकट के जरिए, क्योंकि आपकी एयरलाइन इसके अलावा कहीं फ्लाई नहीं करती. ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन इंटरलिंक एंड इसके जरिए आप दूसरी एयरलाइंस के साथ भी फ्लाई कर सकते हो विद द डिस्काउंटेड रेट्स. हमारी जो एयरलाइन थी, इट वॉज अ फुल सर्विस एयरलाइन. सो वहाँ पे फर्स्ट क्लास भी होता था, प्रीमियर कैबिन भी होता था और इकोनॉमी कैबिन भी होता था. सो नाउ यू नो इस तरीके से वो तीन कैबिन्स में डिवाइडेड था. सो अगर मैं एसटी में ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इकोनॉमी में सीट्स कम है तो मुझे बीसी में बिठा देंगे, मुझे बिजनेस क्लास में बिठा देंगे या फिर फर्स्ट क्लास में. नहीं, आई कैन नॉट, आई एम नॉट जस्ट अलाउड टू सिट इन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास. सो दैट इज द रूल फॉर कैबिन क्रू. कैप्टन के लिए ऑफकोर्स अलग रूल्स होते हैं. सो फॉर अस इट यूज टू बी द थिंग कि हम सिर्फ इकोनॉमी में ही ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं. सेम विथ लो कॉस्ट एयरलाइंस. अब उसमें क्या होता है, उसमें कोई फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास तो नहीं होता, बट उनके यहाँ पे होता है जो फर्स्ट रो होती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है. सेम विद योर ओवरविंग, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है. तो वो जो सीट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसका आप ज़्यादा पे करते हैं, राइट. सो वो जो सीट्स हैं वो अगेन, जो अगर कोई आपका क्रू ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है, आपको वो सीट्स नहीं मिल सकती हैं. बट अगेन जो पायलट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी चीज़ें अलग सी होती हैं. सो या उनके लिए फैसिलिटीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं. तो दैट्स हाउ थिंग्स आर इन इंडियन एयरलाइंस. बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल, सो वहाँ पे आपको अपग्रेड कर देते हैं. वहाँ पे ये होता है बिकॉज मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, क्योंकि आई वॉज हम बिकॉज सम इवेंट आई वेंट टू सम प्लेस, तो वहाँ पे एतिहाद का क्रू भी था और हम एतिहाद एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे थे. सो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि यू नो उन्हें पता था हम सब क्रू हैं. सो उन्होंने ऑफर किया था कि दो बंदों को अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दो सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन्होंने किया भी था अपने क्रू को. सो या विच इज़ नॉट द थिंग, और ग्राउंड स्टाफ ने किया था. सो लीगली यू नो इट इज़ लाइक इट इज़ अलाउड इन द एयरलाइन, बट इन इफ आई टॉक अबाउट एनी इंडियन एयरलाइन, देयर इज, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, इट्स नॉट अलाउड. अनदर थिंग, काफ़ी लोगों का ये परसेप्शन है कि जो फ्लाइट क्रू है, लेट्स से अगर मैं कैबिन क्रू रह चुकी हूँ और अगर मैंने एयरलाइन छोड़ दी है, तो मुझे फिर भी
डिस्काउंटेड टिकट्स ये फैसिलिटी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको डिस्काउंटेड टिकट मिलेगी, अगर आप नहीं फ्लाई कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे अब मैं फ्लाई नहीं करती हूँ, अब मैं फ्लाई नहीं करती हूँ, आई एम नॉट फ्लाइंग विद एनी ऑफ द एयरलाइंस, तो मुझे कोई भी एयरलाइन डिस्काउंटेड टिकट नहीं देगा। वो कहेगा आप आइए, आप पूरे टिकट पे कीजिए, अमाउंट पे कीजिए, एंड देन उसके बाद आपको सीट मिलेगी। ऑलराइट, सो देयर इज नथिंग, सो इट्स नॉट फॉर एवर कि आप सोचो कि एक बार आपने फ्लाई कर लिया, एक बार आपने काम कर लिया तो आपको जिंदगी भर फ्री टिकट मिलेगी या डिस्काउंटेड टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज एक और होती है, जैसे हमारी एयरलाइन में था कि अब लोग जो रिटायर, एक होता है ना कि आप कब तक फ्लाई कर सकते हो, तो इन एवरी एयरलाइन दे हैव अ डिफरेंट रूल कि आप इतने साल तक फ्लाई कर सकते हो, इतने साल तक फ्लाई कर सकते हो। इन आर एयरलाइन देयर रूल वॉज कि आप 40 ईयर्स तक फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। 40 ईयर्स के बाद आपको, अगर इफ़ यू आर फिट, अगर इफ़ यू आर फिजिकली फिट, तो मतलब हर साल आपको मेडिकल देना पड़ता था, और अगर आप फिजिकली फिट हो तो देन यू कैन फ्लाई अप टू 45 ईयर्स, ठीक है। सो दैट वॉज अ सिनेरियो। नाउ किसी इंसान ने जब अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए, लाइक पीपल स्टार्ट फ्लाइंग एट 18, 19, 20, यू नो, सो ऑलमोस्ट लाइक 20, 21, 25 ईयर्स यू हैव गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो एज अ रिवॉर्ड, एज अ टोकन ऑफ लव, द फैसिलिटी विच इज गिवन टू यू इज कि आप चाहे आप फ्लाई ना करो, क्योंकि एक एज के बाद तो आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, या आप एयरलाइन के साथ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ग्राउंड सर्विसेज में भी, तो भी आपको जो एसटीए है वो मिलेगा। सो इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एयरलाइन, बट आपने इतना टाइम दिया है, आप इतने एज तक आपने काम किया है, सो लेट्स से अगर मैंने 6-7 साल काम किया तो मुझे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी ना उतनी एज है ना, मैंने उतना टाइम दिया है उस एयरलाइन को। बट जिन्होंने दिया है उनको ऑफकोर्स ये रिवॉर्ड मिलता है। अनदर थिंग इज देयर, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिस्क, यू नो, रिस्क टेकिंग इफ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन एसटीए। सो नाउ द रिस्क इज, जैसे मेरी कल फ्लाइट है, ठीक है, रोस्टर के हिसाब से मेरी कल फ्लाइट है, और मैं आज कायदे से मुझे वापस आ जाना चाहिए, तो अगर मैं आज वापस आती हूँ, कोशिश सोचती हूँ, या यू नो, जो भी जिस तरीके से प्लान करते हैं, और लेट्स से मैं उस फ्लाइट पे ऑफलोड हो गई, तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए, और अगर कंपनी वाले कुछ नहीं सुनते, उन्होंने कहा है कि भाई आपको इतना टाइम दिया, आपको ये सब फैसिलिटी दिया, आप यू हैव टू बी बैक ऑन टाइम, एंड यू शुड बी एबल टू, यू नो, कैच योर फ्लाइट, यू शुड बी एबल टू ऑपरेट द फ्लाइट, सो इट बिकम्स, इट इज एक्चुअली रिस्की। मतलब मैंने बहुत बार ये रिस्क लिया है, और मैं हमेशा क्या करती थी कि जब भी मैं ट्रैवल करती थी, तो लेट्स से अगर दिन की 3 फ्लाइटें हैं उस डेस्टिनेशन से टू माई बेस स्टेशन, तो मैं सबसे पहली वाली फ्लाइट ले लेती थी। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है, यू नो, सम पीपल दे लाइक, यू नो, खतरों के खिलाड़ी की ना, हम लास्ट फ्लाइट लेंगे, यू दे आर श्योर अबाउट इट, पर मैंने कहा व्हाट इफ यू गेट ऑफलोडेड, देन व्हाट विल यू डू? एंड इट इज, यू कैन ऑफ कोर्स बाय द टिकट ऑफ एनी अदर एयरलाइन। दो चीजें होंगी, एक तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, दूसरी चीज जरूरी तो ना है कि कोई फ्लाइट हो उसके बाद, या फिर उनके पास सीट्स अवेलेबल हो सकता है उनकी फ्लाइट फुल हो, देन व्हाट विल यू डू? सो आए तो यूज टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एंड मैं जो पहला डिपार्चर, चाहे वो सुबह 6 बजे का हो, मैं पहले आके बैठ जाती थी 24 घंटे पहले कि भाई मेरी रिपोर्टिंग के, सो दैट आई शुड बी इन माई सिटी, इन माई बेस स्टेशन, एंड आई शुड नॉट बी इशूड एनी वार्निंग लेटर फॉर दैट। सो दैट इज, आई रिमेंबर वंस आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम लखनऊ, सो माई हस्बैंड वॉज देयर इन लखनऊ, सो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम लखनऊ, तो मैं अपना पूरा ट्रॉली बैग, जो क्रू बैग लेके गई थी, उसी में मैंने अपना सामान रखा, ज़्यादा सामान नहीं लेके गई थी, बिकॉज आई वेंट देयर फॉर 2 डेज ओनली, तो वही मेरा क्रू बैग था, उसमें ही मैंने यूनिफॉर्म भी लेके गई थी। तो आई रिमेंबर मेरी रिपोर्टिंग 3 बजे की थी, एंड आई लैंडेड अराउंड 12 o'clock, मैं गई वॉशरूम में, मैंने वहीं चेंज किया, मेकअप किया, सब कुछ किया, एंड आई वॉज रेडी फॉर द फ्लाइट, एंड मैंने रिपोर्ट कर दिया 2 घंटे पहले जाके बेस पे। एंड मेरी क्रू ने पूछा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्या तुम कहीं से, ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा हाँ तुम सही समझ रही हो, मैं कहीं से आई हूँ, एंड नाउ आई एम डूइंग द फ्लाइट। सो ऐसा भी होता है। सो या, सो ये चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, शायद ऐसे कोई क्वेरी आप लोगों की तरफ से आए, सो पहले ही मैं ये चीज़ें आपको बता देती हूँ रादर देन यू आस्किंग मी। सो आई होप नाउ आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आई एम ट्राइंग टू फिल्म, लाइक आई एम ट्राइंग टू अपलोड 2 videos a week, आई एम ट्राइंग, लाइक आई डोंट प्रोमिस, मैं वादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वादा तो टूट जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 2 video अपलोड करूँ, विच विल बी ऑन मंडे एंड फ्राइडे। सो मैं एक शेड्यूल बनाऊँ एंड मैं उसको फॉलो करूँ, सो ये मेरी कोशिश होगी अपनी तरफ से, लेट्स सी कहाँ तक मैं इसे मुकम्मल कर पाती हूँ, इफ दैट्स द राइट वर्ड।
So yeah, so I will try my level best. Also, I will try to upload at least one story time video because some of you love watching such videos. So yeah, I will do that. And you know, I get so confused when I read your comments because some people are like, when I upload vlogs, they are like daily vlogs. They're like, hey, ma'am, why don't you make cabin crew wala video? Then I make cabin crew wala video. Ma'am, why don't you make vlog or story time? When I make stories time, why don't you? So I'm like, oh my god. So I will try to cater to all of the requests. So kindly bear with me. Please अपने comments के जरिए मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी video देखना चाहते हैं, and I would love to make it for you all. And yeah, thank you so much. Thank you for watching. And if you like the video, please give it a big thumbs up. Please give it a big thumbs up. And subscribe to my channel. Press the bell icon next to your subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Also, follow me on my Instagram. I'm uploading content there also on a regular basis. So let's say you miss me here on YouTube. मैंने काफी time से video upload नहीं करा है. So you can check out my Instagram because I'm active over there. And every day I'm uploading something or the other. Check out my profile. If you like it, follow me. And yeah, that's all for this video. I shall see you in my next one. Take care.